ओके okay, क्या आप लोगों का डेजर्ट ईगल से बिल्कुल भी वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है? तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ न्यू डेजर्ट ईगल वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में। और गाइस ये चीज तो आप लोगों को पता होगा, डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज पे तो वन टैप लग जाता है, बट क्लोज रेंज पे बिल्कुल भी वन टैप नहीं लगता है। तो उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड गाइस अगर आप लोग ये वाला वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो ना, एंड ये सारा ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो करते हो सही से, तो आप लोग डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज पे बहुत ही आसानी से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे, एंड साथ साथ एक्सट्रीम क्लोज रेंज पे जाके भी आप लोग बहुत ही आसानी से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। सो गाइस अगर हम लोग टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे आगे अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया हो ना अभी तक, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अबे देखो, बहुत सारा बंदे के पास हाई एंड डिवाइस होता है, बहुत सारा बंदे के पास लो एंड डिवाइस होता है। अगर हाई एंड डिवाइस पे कितना ड्रैग करना चाहिए एंड लो एंड डिवाइस पे कितना ड्रैग करना चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कस्टम एचयूडी बॉक्स पे, एंड ये है मेरा ड्रैग फायर बटन। अबे देखो ऊपर आप लोगों को एक रेड डॉट दिख रहा होगा। अगर आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है, जिन लोगों के पास 6GB 8GB एंड उसके ऊपर वाला डिवाइस है, मतलब आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है, कोई लैग बैग नहीं करता है, तो आप लोगों को अपना फायर बटन एकदम से ड्रैग करके अपना उंगली इधर तक लाना है, जहां तक मैं रेड डॉट लगाऊ ना उधर तक आप लोगों को ड्रैग करना है। अगर आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है ना, एंड अगर आप लोग इधर तक ड्रैग कर दो अच्छे से ध्यान से, तो आप लोगों का वन टैप हेडशॉट पक्का है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, अपना जो एम होता है ना, जो एम, उसको एनिमी से थोड़ा सा दूर रखना है, ऐसा वाइड रखना है, ड्रैग करना है जितना तक मैंने ड्रैग करने बोला, एंड आप लोगों का वन टैप लग जाएगा। अभी बात करते हैं जिन लोगों के पास लो एंड डिवाइस है, 1GB 2GB 3GB 4GB रैम वाला डिवाइस, मतलब आप लोग के पास लो एंड डिवाइस है, थोड़ा बहुत फोन लैग करता है ना, आप लोगों का वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है, तो कितना तक अपना फायर बटन को ड्रैग करना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आप लोग का डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट लगे। सो गाइस देखो मैं लगा दिया एक रेड डॉट यहाँ पर, देख सकते हो आप लोगों को इधर तक ड्रैग करना है। अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है ना, सिंपली स्ट्रेट ड्रैग करना है, इधर तक ड्रैग करना है, आप लोगों का वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। एंड जैसे आप लोगों को बोला था और एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को अपना एम को वाइड रखना है, एनिमी से थोड़ा सा दूर रखना है, एंड स्ट्रेट ड्रैग करना है एनिमी की तरफ, ठीक है, एंड इधर तक ड्रैग करना है जहां तक मैंने रेड डॉट लगाया हूं, ठीक है, रेड डॉट टाइप के लगाया हूं ना, इधर तक आप लोगों को ड्रैग करना है। सो गाइस मैं लो एंड एंड हाई एंड वालों के लिए बोल दिया कितना तक ड्रैग करना है, आप लोग ऐसे ही ड्रैग करना है। एंड गाइस ये चीज अगर आप लोग फॉलो करते हो ना, चाहे आप लोग लो एंड डिवाइस है, चाहे आप लोग हाई एंड डिवाइस है, आप लोग बहुत ही आसानी से डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। सो गाइस अब जो चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग समझ सकते हो, जो कि है ड्रैग फायर बटन पोजीशन। गाइस अगर आप लोग का ड्रैग फायर बटन का पोजीशन सही नहीं होगा ना, चाहे आप लोग जितना भी अच्छा ड्रैग कर लो, जितना भी ट्रिक फॉलो कर लो, आप लोगों का वन टैप हेडशॉट मिस जाएगा, आप लोगों का बुलेट रिकॉइल खा जाएगा, नहीं तो बॉडी पे लॉक हो जाएगा। सो गाइस ड्रैग फायर बटन का पोजीशन ना काफी ज्यादा मैटर करता है। सो गाइस लो एंड डिवाइस के लिए कौन सा पोजीशन रखना चाहिए एंड हाई एंड डिवाइस के लिए ड्रैग फायर बटन का कौन सा पोजीशन रखना चाहिए जिससे वन टैप हेडशॉट लगे डेजर्ट ईगल से, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई एंड डिवाइस के बारे में, जिन लोगों का रैम ज्यादा है, ठीक है। सो गाइस वो लोग अपना ड्रैग फायर बटन ना इधर तक रखो, जिधर तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, अपना ड्रैग फायर बटन को सिंपली इधर तक रखो, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं आप लोगों को इधर रखना अपना ड्रैग फायर बटन, अगर आप लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है तो, ठीक है। ओके अगर हाई एंड डिवाइस के लिए तो मैंने ड्रैग फायर बटन का पोजीशन बता दिया, चलो अब लो एंड डिवाइस वालों के लिए बताते हैं, जिन लोगों के पास लो एंड डिवाइस है ना, उन लोगों को अपने ड्रैग फायर बटन का पोजीशन क्या रखना चाहिए। तो मैंने इधर फिर से मार्क कर दिया, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो अपना ड्रैग फायर बटन का पोजीशन इधर रखना है, अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है। सो गाइस मैंने दोनों डिवाइस का ड्रैग फायर बटन का पोजीशन दिखा दिया, एंड ये बेस्ट पोजीशन है। अगर इस पोजीशन में रख के आप लोग सही से ड्रैग करते हो, ट्रिक को फॉलो करते हो ना, तो डेजर्ट ईगल से आप लोग का 99% बुलेट बंदे के हेड पे लगने का चांस रहता है। सो गाइस जरूर से ये वाला चीज आप लोग फॉलो करना। ओके अब यार हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग क्लोज रेंज पे रहते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग ड्रैग करते हैं, लेकिन डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट बिल्कुल नहीं लगता। आप लोगों को पता होगा लॉन्ग रेंज पे तो वन टैप लग जाता है कभी कभार, बट क्लोज रेंज पे वन टैप डेजर्ट ईगल से बहुत कम लगता है। सो गाइस इसका सलूशन चलो मैं बताता हूँ। बैकग्राउंड पे आप लोग क्लिप देख पा रहे हो, मैंने इधर जंप किया और एनिमी एकदम मेरे क्लोज पे है। सो गाइस इस टाइम पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपना जो एम है ना जितना हो सके एनिमी से दूर रखना, जैसे कि देख पा रहे हो एनिमी से मेरा एम बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना जो ड्रैग फायर बटन है ना एनिमी की तरफ ड्रैग करना है। मान लो एनिमी राइट साइड पे थोड़ा सा है ना, यहाँ पर देख सकते हो एनिमी मेरा राइट साइड पे, तो मेरा ड्रैग फायर बटन मैंने ऐसे राइट साइड पे ड्रैग किया, देखो इजीली वन टैप लग गया। सो गाइस और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने एम को वाइड रखना है एंड एनिमी से बहुत दूर रखना है, जिस एनिमी को आप मारोगे ना उस एनिमी से अपने एम को थोड़ा सा दूर रखना है एंड एनिमी की तरफ, एनिमी जिस तरफ रहेगा उस तरफ ड्रैग कर देना है, इजीली वन टैप लग जाएगा। आई होप आप लोग समझ गया होगे। सो गाइस अगर आप लोग क्लोज रेंज पर डेजर्ट ईगल से वन टैप मारना चाहते हो ना, तो ये ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गया होगे। अभी गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो जो ट्रिक बताना है डेजर्ट ईगल का, आई होप आप लोगों को पसंद आया, एंड पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड उसी के साथ साथ क्या मैं भूल गया यार, रुको। अगर अगला कौन सा टॉय का वीडियो बनाओ आप लोग जरूर से कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड ऑलवेज कीप गुड बाय।